कम करता दो मंजिल दो मजे गौ भजी गौ मारे मैं तो दीजिए मेरा यहाँ कपूर आ मेरा तो दीजिए पेख मगरे दमना लाड़ी रे रात को कहाँ सोते हो रात को बाहर सोते हैं। इधर ही हाँ। ठंड नहीं लगती ठंड लगती है फिर क्या करते हो मम्मी के ना मम्मी ठंड लगी है कुटी पापा मरिए ठंड लगी मम्मी सौंदी बारिश मैंने कहा कि इन बच्चों को सर्दी लगती है जितनी भी स्टोरीयां आपकी बनेंगी सर्दी तक उनको सर्दी नहीं लगने देंगे जितने भी ब्लैंकेट कम्बर जाई होगी बनो टीम होगी रुकने वाला हम है नहीं और रुक हमें कोई सकता नहीं सर कंप्लीट हो जाएगा सर वक्त आपको एक महीने के अंदर ये मकान एक महीना मका, लगेगा सर्दी का मौसम है सूखने में टाइम लगेगा एक महीना में ये तैयार हो जाएगा फिर आप रो रहे हैं आज किस लिए रो रहे हैं आप अब आप आपको रोने की जरूरत नहीं है नहीं। आपका घर बन जाएगा एक महीने के अंदर अंदर बन जाएगा रेत बजरी आ गया है कल से काम शुरू हो जाएगा जब तक हमारी सिविल सोसाइटी जिंदा है ना तब तक कोई भी ना ठंड से और ना भूख से किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है हम सब आपके साथ सबसे बड़ी बात है जब आप हमें ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं ना खुद का जिंदा होने का एहसास करवा जाते जी आपने किसी गरीब की गरीबी बेच दी उसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी गरीब की गरीबी बेच के उसकी जरूरतें हैं पूरी हो रही है रोटी कपड़ा मकान वो बिकनी चाहिए और सुरेश कोहली साहब ये कठुआ से हैं आपने ये कह दिया कि जितना भी सरिया लगेगा वो सारा मैं दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन चाहता हूं कि अगर अपनी तरफ से तो नहीं दे सकते तो जो गवर्नमेंट फंड कम से कम वो तो इनको प्रोवाइड टाइम पे करने चाहिए कम कमे रोशन करो महलों में हर रोज मगर घर में हम साय के मिट्टी का दिया जलने दो हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा पड़ोसी खुश है हमारा समाज खुश है आ, इस परिवार का अब सुखदेव भैया ने बोल दिया मकान बन जाएगा अगर उनको कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ मैंने सीमेंट के लिए बोला था वैसे सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। सुखदेव सर घर बनने के बाद अगर दो तीन सेलिंग फैन लगेंगे वो मेरी तरफ से लगा देंगे दो जितने भी लगेंगे दो तीन जितने लगाने होंगे वो मेरी तरफ दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी उस वीडियो में एक शख्स लाचार था ये तस्वीर उनके सामने है वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी और मैंने इनसे कहा था कि मैं यहां अकेला नहीं आया हूं मेरे साथ एक भीड़ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही आज वो भीड़ भीड़ दिखाई दी है ये जोगिंदर कुमार जी हैं फिजिकली चैलेंज्ड हैं और पिछले चौदह पंद्रह साल से यहां पे रह रहे हैं ये तस्वीर आप देख लीजिए पिछले चौदह पंद्रह साल से इस जगह पे रह रहे हैं मुश्किल हालात में थे और ये उनकी पत्नी है इसलिए मैंने सवाल उठाए थे ऊपर वाले पे भी कि तेरे घर में अंधेर है देर भी है और अंधेर भी है ना ये सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं और जब मैंने इनसे पूछा यहाँ गुजर कैसे करते हो इन्होंने अपने इशारों से मुझे बताया कि अपने बच्चे को रात को मैं अपने अपने साथ चिपका लेती हूँ उसको ठंड लगती है मुश्किल दौर था और बड़े साफ शब्दों में मैं कहूं मैंने इस गरीब की गरीबी बेच दी मैंने इस गरीब का तमाशा बनाया ऐसा मुझे एक बड़े सियासतदान ने कहा दो तीन दिन पहले जब उसके गांव की मैंने एक कहानी की उसके इलाके की कहानी की जब वो कहानी का फॉलोअप हो गया आज उनके अकाउंट में चार से पांच लाख रुपए हैं राशन इतना कि दो ढाई साल तक खत्म नहीं होगा अब वो कहीं से मांगने नहीं जाती है पति नहीं है उसका तीन चार बच्चे हैं छोटे छोटे आज मुझे दुआएं देती है आप सब लोगों को दुआएं देती है वो लेकिन बदकिस्मती ये थी वो इलाका जो है उस सियासतदान के अंडर आता था उसने मुझे कहा कि आपने उसकी गरीबी को बेच दिया आपने अपनी एन चमका दी वो पैसे किसके अकाउंट में गए वो नलायक था उसको पता ही नहीं था कि हम कभी अपना अकाउंट देते ही नहीं इसलिए मैंने एक और गरीबी बेच दी दो दिन पहले और खरीदने वाले ये लोग हैं इन्होंने हाथों हाथ खरीद ली खरीदने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जोगिंदर कुमार के अकाउंट में लगभग तीन लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा दिए मैंने इसकी गरीबी बेची क्योंकि चौदह पंद्रह साल से कोशिश कर रहा था अपनी गरीबी बेचने की कोई खरीदार ही नहीं था और जो देख रहे थे वो खरीद नहीं रहे थे इसलिए मैंने इसकी गरीबी बेची आने वाले दिनों में इसका घर होगा एक महीने के अंदर अंदर दस दिन के अंदर स्लैब पड़ जाएगी एक महीने के अंदर ये अपने घर में होगा इसके पास सामान राशन कंबल बिस्तर बर्तन गैस वो सब कुछ आ गया इतनी महंगी बिकी इसकी गरीबी इतनी महंगी बिक गई अगर आप हॉस्पिटल के बाहर पंद्रह साल तक चपरासी की नौकरी करते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते इस बिना पे डॉक्टर नहीं बन सकते कि मैं पंद्रह साल इस अस्पताल में रहा हूं अगर आप बीस से पच्चीस साल किसी कचहरी में काम कर रहे हो सफाई कर्मचारी हो आप वकील नहीं बन सकते लेकिन सियासत एक ऐसा पेशा है यहां आपने पंद्रह बीस साल निकाल लगा दिए अगर आप नलायक भी हो तो आपको एक ऊंचा अहदा दे दिया जाएगा शायद उसी ने मुझसे यह कहा था कि आपने किसी की गरीबी बेच दी अपनी एनजीओ चमका दी मेरी तो एनजीओ ही नहीं है और वो पैसे किसके अकाउंट में गए ना समझ था ऐसी गरीबियां में बेचता रहूंगा इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है जोगिंदर कुमार जी आपके पास में आया था दो दिन अब रोना बंद करो आप रोना क्यों अब आपका घर बन जाएगा जी 1 महीने के अंदर अंदर बन जाएगा जी रेत बजरी आ गया है जी कल से काम शुरू हो जाएगा जी आपके अकाउंट में तीन लाख से ज्यादा आए हैं जी तो अब और क्या चाहिए कुछ और चाहते हो जी कब से रह रहे थे ऐसे आइए तो भर टाली है भरैया धायैया मुश्किल होती थी बहुत ज्यादा थी है बरखा बुर्खा आती है पादा पुदा बजा बीटा द्वारा दिदा आता मेरे घर भी दिद्द रोंदी है बच्चा दिद्द रहा बच्चा मम तंद रखी है कुत्ती दबा मत रहा है पिख मंगने तली आता बच्चे पार लगाता कोई देता कोई नहीं देता बड़ी बार देना बन रहा दो दरना दो ना से पानी खाता अब ठीक हो गया अब सब कुछ ठीक हो गया एक महीना होगा आपको परेशानी होगी उसके बाद अपने घर में चले जाओगे आपका मकान बन जाएगा अब बन जाएगा फिर ठंड नहीं लगेगी अब आप खुश मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं इनसे ये मेरी समझ से बाहर है लेकिन इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहां आए हैं बहुत बड़ी तादाद में और ज़्यादातर लोग कठुआ के भी हैं ये सब यहाँ पहुँचे हैं सुखदेव साहब मुझसे नाराज़ हैं नाराज़ इसलिए हैं कि मैं इनके जगह में आया इनसे बात नहीं की इनसे मिला नहीं क्यों नाराज़गी सुखदेव साहब नहीं सर आप नाराजगी नाराज़गी दूर है सर वो हम भी जब काम अपना करते हैं तो हमारे भी कुछ हैं तो मैं सलाम करता हूँ सर आपके असूलों को हम आपके तो करीबी हैं लेकिन वो अलग चीज़ है आपके जर्नलिज्म को भी सलाम करता हूँ जिसके तहत आप अपनी पॉलिसी के अंडर ही काम करते हो तो तभी आपके साथ सर इतने लोग जुड़े इतनी दुनिया आपके साथ जुड़ी है आपको विश्वास क्या है करने जा रहे हो इस परिवार के लिए सर मैंने क्या करना है कर तो इन सब ने दिया है मैं तो एक जरिया हूँ इनका घर बनाने के लिए एज सुपरविज़न मेरी रहेगी सारा बनाने का आपकी जब स्टोरी चली थी जब मैंने देखा गुस्से के बावजूद मैंने सारा सामान का इंतजाम कर दिया था मुझे पता है रविंद्र जी ने स्टोरी कर दिया तो बेशुमार इसकी सेवा हो जाएगी तो जो जो मैंने सामान फेंका उस उसके पैसे मेरे पास आते गए तो मतलब बहुत अच्छा लगा अब इसका घर बन जाएगा मैं शेखर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो बैंक से हैं उन्होंने भी कंबल वगैरह भेजे रेता जी का भी वो सेवा कर रहे हैं और चिंकल थापा जी जो हेल्पिंग एंड ट्रस्ट के हैं उन्होंने पंद्रह हज़ार सेंड किया है ईटों के लिए और कठो से भी काफ़ी लोग आए हैं जे के अपनी पार्टी से आए थे वो पांच हजार पे देखे राशन देखे मैं नाम किस किस किसके गिरा बहुत सारी कब तक कम्प्लीट हो जाएगा सर मैंने आ, काम तो मैंने आज लगाना था मैं आपसे गुस्सा होने के बाद जब आप आओगे तो काम स्टार्ट होगा लेकिन चलो मैं कहा जो लोग हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि लोग कैसे हालात में रह रहे हैं मैंने कल सुबह ही काम चालू कर देना मिस्त्री यहीं है बिहारी आया हुआ है तक गृह प्रवेश हो जाएगा इनका प्रवेश सर मैंने वार लेवल पे काम स्टार्ट कर देना है एक मिनट के लिए भी बैठना नहीं है क्योंकि अब मैं अब छोटा ये मेरे छोटे भाई की पंचायत है तो इसका घर मैंने बना उसने बनाना जरूर था लेकिन क्या है कि इसका अपने नाम पे जगह नहीं इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना पे इसका आया नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी जेब से इसको व्हील चेयर भी उसने दी हुई है राशन वगैरह अपनी जेब से उसको देता रहता था लेकिन आज भी आज की डेट में भी हमारे पंचायत में पाँच घरों का काम अभी लगाओ प्रधानमंत्री आवास योजना क्योंकि कई कई लोगों ने उसमें उंगली उठाई थी कि सरपंच कहाँ है सरपंच का तो कुलदीप को सबको पता है आप दुनिया में नहीं है लेकिन उसका नाम आज ही बोलता है तो वक्त आपको एक महीने के अंदर ये मकान एक महीना लगेगा सर्दी का मौसम है सूखने में टाइम लगेगा एक महीना में तैयार हो जाएगा क्या तैयार करने जा रहे हैं सर एक कमरा किचन बाथरूम बरांडा और जब आप आओगे ना मैं चाहूंगा कि सारे लोगों को लेके आना ये मिसाल पैदा करूंगा इस मकान की में। शुक्रिया शुक्रिया सुंदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस शख्स का भी इस शख्स को मैंने बड़ी खोरी खड़ी खोटी सुनाई उस दिन कि आपने क्या किया यहाँ पे इसने कहा जो कहना है मुझे कह दो मैं यहाँ का एक्सपंच भी हूँ लेकिन इनकी मदद हो जाए आपके पास खरीदार हैं इसकी गरीबी भी बेच दो और मैंने बेच दी यही चाहते थे आप बिल्कुल जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जिन्होंने ये हमारे एक जरा बहुत नहाय थी गरीब परिवार था और ये अपना बा मुश्किल से गुजारा कर रहा था तो जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने हमारी उस कॉल पे आपने हमारी फरियाद सुनी और उस आपको लगा नहीं था कि मुझ, भी, मुझ पर भी सवाल उठ जाएंगे सर लगता तो बहुत कुछ था और आपने वो सारा कुछ एक साइड पर रख के ना हमारी बात को सुना और ये चेहरे जो आए ना हम इनका बहुत धन्यवाद है ये करते। सारा सामान जब तक इनका मकान बन नहीं जाता आपके घर में रहेगा बिल्कुल आप पड़ोस में आपका घर है हैं हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यहीं पे रहेगा और आपका भी ज्यादा फर्ज बनता है कि जब तक ये मकान बन ना जाए आप यहीं पे रहें इधर रहूंगा सर इधर ही बिल्कुल मेरी पूरी सुपरविजन इधर ही रहेगी जनाब शुक्रिया क्या नाम है आपका मेरा नाम महिंद्र है जिनाब ठीक है महिंद्र साहब बहुत आगे बहुत शुक्रिया कुछ नाम लेने जा रहा हूँ अब मैं बहुत जल्दी में क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और तीस मिनट के से ज्यादा ऑडियो बंद कर देता है फेसबुक राजकुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने पाँच हजार रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है आप हर कहानी का हिस्सा रहते हो हर कहानी में आपके पाँच से दस हज़ार जरूर रहते हैं राजकुमार साहब दिल से शुक्रिया आपका कोट कोट धन्यवाद आपको उसके बाद संजय थापा साहब हैं संजय थापा साहब ने ग्यारह सौ रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है सुशील और पूजा ये हमारे डोनर हैं हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं सुशील और पूजा इन्होंने ब्लैंकेट और कुछ गद्दे इस परिवार के लिए भेजे हैं आप लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया ये बलदेव सिंह हैं ये आर्मी स्कूल की वैन चलाते हैं बारह बैग सीमेंट इन्होंने कहा है सुखदेव साहब को नंबर दे दूंगा कॉल करेंगे इनको जशपाल जी हैं उधमपुर से बीस बैग सीमेंट ये देंगे और सुरेश कोहली साहब ये कठुआ से हैं कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने ये कह दिया कि जितना भी सरिया लगेगा वो सारा मैं दूंगा सुरेश कोहली साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया हमारी पहले भी कहानी को हिस्सा रहते हो आप और पहले भी कठुआ में आपने एक पूरा घर तैयार किया है किसी का और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई घर में खड़ा नहीं होगा यहाँ बनाने के लिए तो मैं आ जाऊँगा लेकिन मेरे पास वक्त कम रहता है अगर कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो फिर मैं सरिया दे दूंगा सुखदेव साहब ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अब्दुल रहीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से उन्होंने एश्योर किया है कल उनके लोग आए भी थे इनके डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हैं तो इन दोनों की पेंशन लग जाएगी कांता कैंत जी हैं इन्होंने राशन और ब्लैंकेट की सेवा जो है ये भेजी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायद कुछ पैसे भी इन्होंने भेजे हैं शायद नहीं राशन और ब्लैंकेट भेजे हैं सेवा दल मूल ये हमारे साथ यहाँ आए हैं इनसे बात करेंगे पवन कुमार जी ने एक हज़ार रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है केशव कौशल जी ये नीदरलैंड से हैं इन्होंने दस हज़ार तीन सौ छियानवे रुपये इस परिवार की मदद की है शायद इन्होंने डॉलर में इनको एक्सचेंज किया होगा तो ये फिगर जो है ये रौन फिगर नहीं बनता है दस हज़ार तीन सौ छियानवे रुपये इन्होंने भेजे हैं शुभम साहब हैं अखनूर से इन्होंने गैस भेजी है इन्होंने कहा है कि अगर ईंट में कुछ कमी रह जाएगी तो हजार ईंट जो है ये मेरे खाते में डाल देना शुभम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ मुझे लगता है ब्लैंकेट भी इन्होंने भेजे हैं चिंकल थापा साहब हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना बड़ी ब्रह्मना का सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा सोशल वर्कर सबसे बड़ा सोशल एक्टिविस्ट और हमेशा गरीबों के साथ खड़ा होने वाला चिंकल थापा उनकी टीम यहाँ पे आई है उन्होंने कहा है कि तीन हजार ईंट जो है वो चिंकल थापा साहब देंगे और जिसकी कीमत लगभग 21 से बाईस हजार होती है यह खर्चा चिंकल थापा साहब ने उठाया है उनकी टीम भी कुछ सामान लेके भी आई है यहाँ पे उसके बाद राकेश मीनिया साहब बड़ी हसरत है इस शख्स से मिलने की राकेश मीनिया साहब ने ग्यारह हजार की मदद इस परिवार की की है और इसीलिए यह आंकड़ा तीन लाख से ऊपर गया है बबली चौधरी ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे इस मानसिकता को समझना पड़ेगा बबली चौधरी की मैंने कहानी की थी आज से दो महीने पहले ये कैंसर पेशेंट थी मुश्किल हालात में थी घर में खाने को कुछ नहीं था आज वो रिकवर कर रही हैं उन्होंने हज़ार रुपये भेजे हैं इस परिवार के लिए और कुछ कपड़े भेजे हैं बबली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंतज़ार कर रही हैं रक्षाबंधन का रक्षाबंधन आ जाए तो मुझे राखी भी बांधेंगी वो ये सचिन साहब हैं कारपेंटर हैं इन्होंने हज़ार रुपए की मदद की है इस परिवार की और ये भी कहा है सुखदेव साहब आप सुन लीजिए ध्यान से ये भी कहा है कि जो विंडो और डोर यहाँ इंस्टॉल करने हैं वो ये करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे जी बोधराज जी हमारे साथ आए हैं इन्होंने हज़ार रुपए की मदद भी की है हमारे साथ भी आए हैं उसके साथ हैं एडवोकेट रजत सिंह ये ग्रेटर क्लास से हैं बहुत बहुत शुक्रिया रजत सिंह जी आपका आपने इस परिवार के लिए पाँच हज़ार रुपये की मदद भेजी है बहुत बहुत है दिल से एडवोकेट रजत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया जेके अपनी पार्टी से पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने जा रहा हूं आपने किया है तो मुझे लेना है आपने किया है जेके अपनी पार्टी ने पांच हजार रुपया और ब्लैंकेट इस परिवार को दिए हैं विशाल कुंडल जी आरसपुरा से हैं हजार रुपया और राशन आए भी थे इन्होंने इस परिवार की मदद की है उसके बाद सुनीता मैडम है मेरा कैमरामैन परेशान हो रहा है कितने नाम है तीस मिनट से पहले ख़त्म करना है सुनीता मैडम है दस हज़ार रुपया ये पचास हज़ार रुपये देना चाहती थी हमने दस हज़ार ही लिया क्योंकि कोई और गरीबी इंतज़ार कर रहा हो मुझे किसी और की गरीबी भी बेचनी है अभी वो ये पचास हज़ार रुपया मैं वहां बेचूंगा सुनीता मैडम ने दस हज़ार रुपये भेजे हैं मोनिका जी ने पाँच हज़ार रुपया तालाब तिलो से कॉस्मेटिक शॉप है इनकी इन्होंने कुछ कपड़े भेजे हैं मनोरमा जी ने हज़ार रुपया भेजा है रितिका जी ने कुछ ब्लैंकेट रितिका जी हमारे साथ आई हैं ब्लैंकेट और इन्होंने कुछ घर का घरेलू सामान इस बच्चों के लिए लाया है जसविंदर जी मेरे लिए एस्पिरेशन है ये मेरे लिए एक बैठे यहीं पे जसविंदर जी इन्होंने तीन सूट और पाँच सौ रुपये की मदद इस परिवार की, की है विपुल शर्मा जी ये हमारे साथ आए हैं तीन हजार रुपया इन्होंने इस परिवार की मदद की है मामा ईटिंग हब ये इनका बिजनेस है जम्मू में उसके साथ साथ ये पुणे से स्टूडेंट हैं नैन शर्मा जी इन्होंने हज़ार रुपये की मदद इस परिवार की की है आमिर चंद हमारे साथ आए हैं हज़ार रुपये की मदद बलहार सिंह इन्होंने दो हज़ार रुपये की मदद की है बलहार सिंह अर्जुन हेल्पिंग ग्रुप के मेम्बर हैं सांजी मोड़ से और इन्होंने पूरे ग्रुप ने सताई सौ रुपये की मदद और जिसमें बलहार सिंह जी ने दो हजार रुपये की मदद इस परिवार की की है जनकराज जी हैं इसमें रोशन जी हैं रोमी जी हैं अशोक जी हैं और पृथ्वीराज जी हैं शुक्रिया जनाब आपका देवीदास हलवाई इन्होंने पाँच सौ रुपये की मदद भेजी है ये आंखों से देख नहीं पाते हैं विनीता कोहली जी पच्चीस सौ प्लस कुछ बच्चों के लिए कुछ सामान भेजा है श्री साकेत ग्रुप्त विदुषी गुप्ता पाँच हजार रुपये और ब्लैंकेट शुक्रिया साकेत ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके बाद कुछ भैया हैं रूपनगर से इन्होंने कहा नाम मत लेना पाँच हज़ार रुपये की मदद इन्होंने भी की है ये लिस्ट बहुत लंबा होता है और ये लंबी लिस्ट चाहिए भी हमें ये चाहिए भी लेकिन फेसबुक हमारी बात सुनता नहीं है ये बंद कर देता है ऑडियो इंजीनियर शशि डोगरा जी हैं डोगरा सुपर मार्केट रियासी से इन्होंने ड्राई राशन भेजा है शुक्रिया शशि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं कुछ लोगों से बात करूंगा बड़ी जल्दबाजी में बात करूंगा आपका नाम क्या है मैम अमृत चौधरी सर आप सहारा बनो ग्रुप से हैं बिल्कुल जी नई बस्ती सहारा बनो ग्रुप से हूँ मैं आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी उसके बाद नई बस्ती सहारा ग्रुप का क्योंकि जिसने मुझे ये एक्सप्रेशन दी कि मैं ये काम करूं और मैं देखती थी बड़ा अच्छा लगता था आज यहाँ आकर वो संतुष्टि मिली, वो मिली। शुक्री शुक्री नारे, नारे, बोह बोहुं, बोहुं, है वो मिली थैंक यू सर बहुत शुक्रिया वक्त बहुत कम है हमारे पास आपका नाम सर मेरा नाम राकेश महाजन है मैं शार निवासी से हूँ और हमने यहाँ जिनकी जो देखने वीडियो की थी हमने इनकी वीडियो देखी कि वो बेचारे वो हैंडीकेप्ट हैं और इनकी वाइफ ना सुन सकती है ना बोल पाती है और बच्चे सर्दी से मतलब इतना बुरा हाल था कोई साहब में और हमने इनके लिए राशन बिस्तर वगैरह जो भी हमारे वो मतलब हम लेके सब इनके लिए शुक्रिया शुक्रिया पाजी साहब आप कम ही लगती है जितनी भी स्टोरिया आपकी बनेंगी सर्दी तक उनको सर्दी नहीं लगने देंगे जितने भी ब्लैंकेट कम्बर जायी होगी वो सारा बनो टीम से होगी कुछ कहना चाहती है मैम आप बस्ती बोल रही हूँ रजनी मेरा नाम है हमने इनकी मदद की है बस खुशी बस है बस इतनी खुशी है। खुशी है इस बात की श्याम जी कुछ कहना चाहेंगे ताराचंद चंद्र सारा रविंदर जी सताल <laughs> पहले तो मैं आपका शुक्र शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन जो आज ये काम हुआ ना बहुत बढ़िया काम हुआ है ये तो मैं कहता हूं सोच भी नहीं सकते जो काम आपने कर दिया बाकी हम सहारा ग्रुप ने जो किया है बस वो करते रहेंगे जैसे बी जी ने कहा है कि लास्ट दम तक हम चलते रहेंगे लगने नहीं देंगे नहीं लगने देंगे रुकेंगे नहीं हम रुकेंगे सर कैसे हैं आप ठीक हैं सर ठीक सर क्या कहना चाहते हैं आप सर मेरा यही है कि जब तक हमारी सिविल सोसाइटी जिंदा है ना तब तक कोई भी ना ठंड से और ना भूख से किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है हम सब आपके साथ हैं फाइनेंशियल हेल्प की है जनाब ने आपका नाम बता दीजिए धीरज भूल जाता हूँ भाजी मैं बोल जाता हूँ मुझे भी ज़्यादा बादाम खाने चाहिए आप भाजी कैसे हैं आप बढ़िया सर बढ़िया चाहते हो सर आप मैं आप ये कहना चाहता हूँ जी 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 जहाँ पे मैं काम फ्री करूंगा विद मटेरियल सुखदेव साहब नोट कर लो हर विद मटेरियल मैं यहाँ पे काम करूँगा और मैं हर गांव में सभी युवाओं से ये कहता हूँ नशों को छोड़ो और ऐसे काम करो ये वाला नशा चाढ़ो अपने ऊपर क्योंकि यही सच है और बड़े शर्म से मुझे ये भी कहना पड़ रहा है जो लोग गरीब होते हैं उनके उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के या, चलो बिल्कुर, बिल्कुर। जी। जी, यार चलो आप जी सत्या पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये स्टोरी बहुत जायज़ थी और बहुत जोरदार स्टोरी थी हमारे जो टीम के चेयरमैन है अर्केश गुप्ता जी जो जब स्टोरी आपके आए वो मेरे पास आए बाबा जी क्या करना चाहिए मैं यहाँ जाना चाहिए जो भी चीज है हमारे पास उनको प्राइव करनी चाहिए देनी चाहिए और मैं यहाँ पहुँच गया और जितने हमारे ग्रुप के मेम्बर हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं आपका नाम क्या है मेरा विपुल शर्मा विपुल साहब कहाँ से आए जम्मू से जम्मू से आए सर पहली बार आप हमारी कहानी का हिस्सा बने हो क्या कहना चाहते हो सर इस धरती में अगर माँ बाप के अलावा भगवान देखें तो मैंने आपको देखा है शुक्रिया बाजी आपने मुझे ये दर्जा दे दिया इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ पता नहीं कब तक कहाँ तक बन पाया हूँ किस तरह की हेल्प आपने यहाँ पे किया यहाँ पे मैंने तीन हजार रुपये कैश दिया है और एक स्टूडेंट है पुणे में नियन शर्मा हजार रुपये उसने भेजा था शुक्रिया शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये सब चीजें जो होती हैं ये मुश्किल जरूर होती हैं नामुमकिन नहीं होती नामुमकिन नहीं होती पाजी कुछ कहना चाहते हैं सर कुछ नहीं हर बंदे से ही कहूँगा शेयर करो और पैसे नहीं करते शेयर तो करो एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली सर आपका नाम रविंदर जी कल रात को मेरी आपके साथ बात हुई थी मैं जम्मू से डीएसपी मैं डीएसपी सुदर्शन मेहता रिटायर्ड लास्ट ईयर हुआ था और जी जब मैंने इनकी जो स्टोरी पढ़ी सुनी कल देखा तो मेरी तो रूह रू कहाँ मैं रोया कल मतलब मेरी आंखों से आंसू है मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो उसकी लीड वाइफ थी जे इतना मैं कहता हूँ इतना दर्दनाक आंसा वो आज अब मैं आपके सामने जहाँ पहुँच गया था जी भाई मैंने रात को आपसे बात की और हमने कोशिश की कि हमने आपको ओपनली कहा हम अभी आर एट योर डिस्पोज अगर हमारी तरफ से जो भी किसी किस्म की हिम्मत मेहनत मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए है मैंने आपको कल ओपनली बोला था हम भी ब्लैंकेट कंबल मतलब राशन अभी भी लाए हैं तो जब हमने ये देखा जाए तो मेरा भतीजा वो सामने खड़ा हुआ है तो मैं जरूर ये आपको जब बोलूँगा डी सी से आप जरूर रब्ता रखिए ऐसे स्टोरी का वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी कोई के लिए श्री गुरु अमरद सेवा ट्रस्ट से लोग हैं मैं एक ही कर पाऊंगा चरण जीत क्या कहना चाहते हो आप इतनी दूर से जहाँ तक आए हो भाजी सफ़र मैटर नहीं करता क्योंकि जिस हाँ इन्हों की कंडीशन है कंडीशन की बहुत ज्यादा खराब सी गुरु अमरदा ट्रस्ट की तरफों राशन ब्लैकेट्स से कपड़े की हेल्प की है तो लास्ट से एक चीज ही बोलांगा कि रुकने वाला हम है नहीं और रुक हमें कोई सकता नहीं एब्सोल्युटली श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है हर कहानी का हमारी मैक्सिमम कहानी का ये हिस्सा रहते हैं और मकसद सिर्फ एक है कि गरीब तक पहुँचना उसकी बुक मिटाना आपका नाम क्या भाजी मेरा नाम संजय चौधरी है आप मैं कठुआ से हूँ गुरु अमरदास ट्रस्ट से, से हूँ जी जी तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मैंने बहुत से प्रेस रिपोर्टर्स देखे हैं जो कि मतलब कि कमाने के लिए कर रहे हैं और आप लोगों का घर बचाने के लिए कर रहे हैं है आपका। बहुत बहुत बढ़िया ये अनिल साहब हैं मुझे माफ़ कर देना मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा मुझे माफ़ कर देना अनिल साहब हैं ये मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं अनिल साहब अनिल साहब आज अपनी दुकान इनकी बंद होगी शायद यहाँ पर आए हैं अनिल साहब क्या कहोगे सर जब स्टोरी देखी तो सर बड़ा दुख हुआ ये देख के कि इनकी इतनी कंडीशन इतनी ख़राब है और जैसे कि सर ने अभी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ये यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपनी तरफ से तो नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट फंड दे दी कम से कम वो तो इनको प्रोवाइड टाइम पे करने चाहिए absolutely, absolutely, absolutely. वकील साहब क्या कहेंगे विशाल जी सर कहना क्या है आपकी स्टोरी मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले देखते हैं और मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखो रविंदर जी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और मेरे पापा का ये कहना होता है कि जहाँ भगवान नहीं पहुँचता वहाँ रविंदर जी पहुँच जाते हैं शुक्रिया भाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कुछ और लोग भी है, हैं नए चेहरे हैं नए चेहरे हैं क्या नाम है सर आपका मोनू पठानिया मैं इनके पास का ही रहने माला से हूँ तो मैंने आपकी स्टोरी देखी कल फिर आपको मैंने स्टेप स्टेपा मैसेज भेजा तो आपने बोला कल संडे को आएंगे तो जो मैंने इनको दिए पाँच हज़ार वो दो हज़ार मेरे 2000 मेरे साथ उधमपुर से जुड़े हुए हैं मेरे साधु साहब हुए हैं और एक मेरा साथी है पंजाब से हजार पर उन्होंने भेजा ठीक है भाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र साहब नरेंद्र साहब नमस्कार क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पहुँच के सर, रहते जी हैं जी बिल्कुल बिल्कुल सर सर काफी ज्यादा जरूरत थी इनको वैसे सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं सुखदेव सर घर बनने के बाद अगर दो तीन सेलिंग फैन लगेंगे वो मेरी तरफ से लगा लगे दो जितने भी लगेंगे दो तीन जितने लगाने होंगे वो मेरी तरफ से लगा दिया नरिंदर साहब बहुत बढ़िया आपने मेरा मान रख लिया बड़े कम शब्दों में कह दिया तीस मिनट पूरे होने वाले होंगे शायद <laughs> सर क्या कहना चाहेंगे सर मेरा नाम सिंह है मैं साझी मोड़ से छोटा सा ग्रुप चला रहे छोटा तो पे नहीं चला रहे आप छोटा निकाल दो आप किसी गरीब को एक रुपया आपका और ये लोग हैं ये मेरी कहानियों का पहले भी हिस्सा रहे हैं उमा शर्मा उमा शर्मा उमा जी क्या कहना चाहती हैं आप नहीं सर अपने जो रास्ते पे चलाते हैं आजकल लोग करने को तैयार होते हैं लेकिन उनको राह दिखाने वाला कोई चाहिए और जो इंसान सच्चा है उसके लिए है कि कम कमे रोशन करो महलों में हर रोज मगर घर में हम साय के मिट्टी का दिया जलने दो हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा पड़ोसी खुश है हमारा समाज खुश है सब लोगों ने दिखा दिया है कि इकट्ठे मिल जाएं तो क्या नहीं हो सकता उमा जी और भी जिम्मेवारी है समाज की एब्सुलटली और भी लोगों से जुड़ी हुई है और भी संस्थाओं से जुड़ी है यहाँ ये लोगों की मदद करती हैं ये कार्तिक साहब हैं हमेशा लेट करते हैं आज भी इन्होंने लेट किया कार्तिक साहब खुश हो आप आज की मदद हुई है। बहुत खुश हूँ भाजी इस परिवार का अब सुखदेव भैया ने बोल दिया मकान बन जाएगा अगर उनको कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ मैंने सीमेंट के लिए बोला था लेकिन अगर अरेंज हो गया तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिल के एडजस्ट कर लेंगे एक लास्ट चीज़ भाजी वो जो व्यक्ति है ना जो ये कह रहा था कि ये गरीब की तुमने वो गरीबी दिखा गरीबी बेच दिया गरीबी बेच दी उसको मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा अगर जितनी इसकी मदद हुई है पचास परसेंट आके भी वो कर देना ये गरीबी शायद बेचने की जरूरत ना पड़े अगर हर एरिया का सियासतदान अपने एरिया में सिर्फ इतना इतना कंट्रीब्यूशन करें तो पहले किसी के बारे में बोलने से पहले मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना ये व्यक्ति भगवान से कम नहीं है तो पहले उसके बारे में बोलने से पहले दस बार जरूर सोचना है एक बार ये कहना चाहूँगा मुझे भी अब ऐसा लगा लगा कि मुझ में कोई शक्ति है मुझे भी ऐसा लगने लगा आपने इतनी बार भगवान कह दिया जसविंदर साहब इनकी स्कूटी हमने पुलिस वालों को क्या कर एक जगह खड़ी की है वहाँ से ये गाड़ी में आए हैं कितनी मुश्किल होगी इनके लिए लेकिन मुश्किल नहीं मैं इनको कभी भी अपने से कम नहीं मानता हूँ ये हमसे ज़्यादा हौसला रखते हैं जसविंदर जी क्या कहना चाहेंगे सर सबसे पहले तो थैंक यू आपका आप यहाँ लेके आए हमें ये मौका दिया इनकी सेवा करने का और बड़ा शॉर्टली मैं बोलूँगा कि मेरे पास कुछ महीने पहले एक डेढ़ महीने पहले एक छोटा सा केस हुआ मेरी सिस्टर के पास कुछ कपड़े रह गए थे किसी से हाँ, गलती हाँ, से हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था हाँ, तो वो मिले नहीं मैंने मीडिया पे भी की वो सोशल मीडिया पे एक स्टोरी करवाई थी मगर किसी को मिलेगी नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है सर किसी को जरूरत पड़ जाए दे दी वो इनको सेवा कर दिया हमने सर ठीक है एक एक डेढ़ महीना पहले इनके किसी रिश्तेदार को कपड़े मिले थे मेटाडोर में या किसी बस में तो वो कोई लेने आया नहीं किसी ने क्लेम किए नहीं तो उन्होंने यहाँ पे डोनेट कर दिए बहुत बढ़िया आपका नाम क्या है भाजी मेरा नाम अजय कुमार है जी ये जी क्या कहना चाहते हो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं जितने भी अपने भाई बहन और ऐसे ही इकट्ठे होते रहे गरीबों की मदद करते रहे और जहाँ पे मैंने आज राशन की सेवा की हुई है और जब इनका मकान बन जाएगा और जो भी बिजली की तार वगैरह होगी मैं उसकी भी सेवा करना चाहता हूँ साहब नोट कर लो अखनूर से ये बस पे बैठी हैं बस वाले से झगड़ा किया रास्ते में उतर गई वो बस धीरे चला रहा था दूसरी बस में बैठी जम्मू पहुंची उसके बाद यहाँ पहुंची मैंने ठीक कहा भैया ठीक बोला झगड़ा किया उससे आ, किया <laughs> भैया क्या है वो मतलब अपना टाइम कवर कर रहे हैं बोल रहे हैं कि हमने तेल पूरा करना हमसे थोड़ी करोगे कोई एमरजेंसी भी होती है भैया मुश्किल से यहाँ पहुंचे तो नहीं नहीं भैया मुश्किल नहीं खुशी हुई इनको हाँ भैया पर जो सियासतदान को मैं बोलूंगी अपनी कुर्सी छोड़ो आपको दो ना कोई गरीब रहेगा ना कोई भूखा रहेगा कोई बिना छत के नहीं रहेगा वो कुर्सी आपको मिलनी चाहिए भैया मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा नहीं नहीं ये हंड्रेड परसेंट गारंटी भी आप नहीं होगी मैं बोलिए एक बार आपको मौका तो दो

हाँ ओवेस है कि जो आप कहानी करते दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी और आजकल के टाइम में रियलिटी को बोलने वाले ही चाहिए क्योंकि देख तो सभी लेते हैं पर आंखें बंद कर लेते हैं और व्हेन यू सी और जब आप उसको बोलते हो तो इतने लोगों तक पहुंचती है बात और जब पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं कही निवारण हो ही जाता है थैंक यू थैंक यू मैम उनसे बात करने के लिए रितिका जी हैं ये किसी तारुख के मोहताज नहीं है इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए अब क्योंकि लोग इनका चेहरा पहचानते हैं जय माता जय माता दी बताएं क्या कहना चाहिए सर इट्स अ हैप्पी डे एंड नाइस डे फॉर दिस फैमिली आई रियली अप्रिशिएट योर स्टोरीज और जो लोग कुछ गलत बोलते हैं ना नहीं बोलना चाहिए उनको बस सर इतना ही बोलूँगी शुक्रिया रितिका जी ने काफ़ी मदद की है फाइनेंशली भी की है और टेबल्स और बच्चों के लिए कुछ सामान इन्होंने यहाँ पर लाया है हमेशा करती हैं ये हेल्पिंग एंड ट्रस्ट ग्रुप से हैं आपका नाम क्या मैम सर नीलम मैं खुद एक लेक्चरार हूँ लेकिन आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ लोग सेलिब्रिटीज़ के फैन होते हैं मेरे लिए आप सेलिब्रिटी हो क्यों नॉट अ लेक्चर सर लेक्चर तो दुनिया देती है इम्प्लीमेंट करना इट्स अब और सबसे बड़ी बात है जब आप हमें ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं ना खुद का जिंदा होने का एहसास करवा जाते हो लगता है कि हम भी जिंदा हैं और सर हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट चिंकल सर की तरफ से जितनी भी हेल्प होती है मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ आपके साथ जुड़ के आपने एक से शुरू किया होगा तो देखिए कितनी तादाद है शुक्रिया और मैं जब तक रहूंगी मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही स्टोरी करते रहे और हम आपके साथ बूढ़े होने तक चले शुक्रिया, शुक्रिया, आपने अपनी लंबी उम्र की दुआ कर ली <laughs> आपका नाम क्या है मैम मेरा नाम अनुराधा मैं मिला हूँ जी पहले एक बार हम मिल चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आपने स्टोरी जो की थी वहाँ पे भी जो एन जो की जिंगल सर की तरफ से जो राशन था यहाँ फिर जो भी सेवा थी वो दी थी और आज भी हम यहाँ पे आए हैं लेकिन कभी कभी सर सच बताऊ कभी कभी ऐसे खुशी होती है कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन अंदर से जो दुख होता है ना कि ऐसी सेवा हे भगवान ये दिन किसी को देखना ना पड़े कि ऐसी सेवा मतलब हम किसी के लिए करें दुख होता है, है मैम बहुत बहुत शुक्रिया मूलराजी मेरे बड़े प्रिय हैं मूलराज जी सेवा दल से आते हैं और लोगों को भूखा ना रहने की कसम इन्होंने भी खाई है मूलराज जी क्या कहेंगे आप देखा परिवार की स्टोरी हालात बहुत ही ज्यादा खराब है सेवा दल जम्मू ने राशन की हेल्प की है इस परिवार की और बाकी जो सियासदान कहता जी आपने किसी गरीब की गरीबी बेच दी जु, है कहना चाहूँगा कि अगर किसी गरीब की गरीबी बेच के उसकी जरूरतें पूरी हो रही है रोटी कपड़ा और मकान हम आज़ादी से यही गाना गा रहे हैं ना वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं आज तक और वो उसके पूरे हो रहे हैं ना गरीबी बेच के वो बिकनी चाहिए और अगर वो कह रहे हैं हम लोगों ने खरीदी हम खरीदते रहेंगे जब तक हमारे में कैलीबर हम खरीदते रहेंगे और ऐसे जो रोते हुए चेहरे हैं इन पर मुस्कान लाते रहेंगे शुक्रिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम मुझे आपसे डरना चाहिए पुलिस में आप ये मैं जहाँ की देर से देखती आ रही हूँ इनकी बहुत मैंने इनकी हेल्प करती रहती हूँ जब भी मुझे कहीं रास्ते में मिलते हैं कुछ भी इनको मैं बोलती हूँ कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बोलना मैं इनके घर में आती रहती हूँ खत्म हो गया हाँ बिल्कुल खत्म हो गया आपकी वजह से एक बार फिर मैं आपको बता दूं मुझे लगता है कि मैंने सबसे बात कर ली सबसे बात कर ली इसके पास बेचने को कुछ था नहीं तो मेरी नज़र इसकी गरीबी पे पड़ी और मैंने वो बेच डाली और ख़रीदने वालों ने हाथों हाथ खरीद भी ली एक महीने के अंदर इसका मकान बन जाएगा इसके पास राशन की कमी नहीं है सब कुछ है आज इसके पास अकाउंट में एक बड़ा बैंक बैलेंस है शायद जिसको हम टच करेंगे या नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं क्योंकि सब ने अपनी अपनी मदद यहां दे दी है एक महीने के अंदर ये ग्रह प्रवेश कर जाएंगे तेरह चौदह साल इन्होंने तूफानों में निकाली है और इनकी गरीबी बड़ी महंगी बिकी बड़ी महंगी बिकी साहब इनकी गरीबी और ये गरीबी में बेचता रहूंगा मैं सुदागर हूं आप गरीबों का गरीबी बेचने में माहिर हूँ मैं और ये मैं बेचता रहूँगा शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए